हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉमर्स 365 पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड और सचिन पारिक। कंपनी अकाउंट्स की मिशन प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारा आज का सेशन लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आए अपन प्रो राटा अलॉटमेंट की प्रैक्टिस के लिए। तो फटाफट से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सभी को बुला लो कि हमने हमारा सेशन स्टार्ट कर दिया है और आज अपन लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सभी के लाइव डाउट सॉल्व करने वाले हैं अगर रिलेटेड है प्रो राटा अलॉटमेंट से। दोस्तों अलग अलग प्रकार के केसेस के बारे में आप पढ़ते हैं कि भाई साहब एनालिसिस टेबल भी अपने को बनानी पड़ती है। पैसा मिलता है, कभी कैसा होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को अपन यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। जिसमें से किसी को तो अपने को दे रखा होता है कि इतने शेयर इश्यू किए, कभी कभार देखता है कि इसने तो इतने शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसका कितना अमाउंट अपने को मिल चुका है, कितना अपने को एडजस्ट करना है, कितना मिलेगा, ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं आज के हमारे सेशन में। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। एक बार देख लेते हैं चैट बॉक्स में हमारे साथ कौन कौन से दोस्त जुड़े हुए हैं। सभी को नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है। वैनम भाई ने अपनी छाप छोड़ दी है, शुक्रिया वैनम भाई। हेलो एंजल कश्यप, ओजी पांडा, यूनिवर्सल बॉय, अनामिका, विलन, हाँ विलन, अच्छा एक विलन, मैं इच्छा, मैं इच्छान हूँ, ओके। अनामिका दास जी हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दो। किंग वेनम, आप तो सच में किंग है, आप भी बोल सकते हो, जैसे हमारे गौरव सर कॉमर्स किंग के नाम से जाने जाते हैं और आप मुझे मेंटी भाई बोलते हो। किंग वेनम को बोलता हूँ लाइक किंग। या फिर किंग वाले भैया, जैसे मैं मेंटी भाई वैसे लाइक भाई। हेलो अनामिका जी, हेलो हेलो टाइगर सोल्जरी। चलिए ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, नाम सोचो नाम सोचो, सभी दोस्तों बराबर से वेनम के लिए बताओ, वेनम भाई को बताओ कि वेनम भाई को कौन सा नाम दिया जाए, किंग किंग लाइक दिया जाए या फिर किंग लाइक वाले भैया। चलिए जो भी है बताना। चलिए मेरा नाम सचिन पारिक है, मैं आप सभी का अकाउंट्स बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरे को अकाउंट्स बेस्ट फ्रेंड क्यों, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो दोस्तों के हिसाब से पढ़ते हैं। कोई एजुकेटर और दोस्त का रिलेशन है हमारा, मतलब दोस्तों वाला रिलेशन है, ऐसे मत सोचना कि सर है तो उस हिसाब से, ठीक है ना। ना इचान जी ऐसा नहीं, दोस्त तो देखो दोस्त तो टांग खींचने में रहते हैं हमेशा। वेनम भैया, अच्छा वेनम इज इक्वल टू आईडी वाले भैया, अच्छा आईडी वाले भैया। अच्छा भैया नहीं होना चाहिए, अच्छा किंग वेनम, बड़े होशियार हो रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अकाउंट सेटा और कॉमर्स 365 हमारा चैनल है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके रखना। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड करें, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन अनअकैडमी के ऐप के साथ मिलेगी, कोई बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपको नहीं मिलेगी। प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है और सेलेक्ट करना है अपना गोल, जिस किसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 11th या क्लास 12th। 100+ कोर्स दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते हैं, प्लस के अंदर पेड क्लासेस होती है, फ्री वाले सेक्शन में आपको फ्री क्लासेस मिलती है। जो पसंद आए वो क्लास लीजिएगा, जो भी कहीं पर भी कोड पूछे ना, कोड एंटर कर देना सचिन SP, ठीक है, कोड आपको ध्यान रखना है सचिन SP। आपको ये कोड काफी ज्यादा यू बोल सकते हैं कि बेनिफिट देने वाला है, फ्री क्लासेस को भी अनलॉक करेगा और आपको पेड क्लासेस के ऊपर भी 10% आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के हमारे सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पसंद कैसे आएगा, प्लस के अंदर दोस्तों आपको मिलते हैं कंफर्ट के साथ पढ़ाई, अपने कंफर्ट के साथ पढ़ाई, अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और आपके सामने सिलेबस का पूरा पूरा कवरेज होता है। मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट सीरीज जैसे फीचर्स भी आपको मिलते हैं, बेच कोर्सेज भी आपको मिलते हैं। 12 मंथ की प्राइस है जो बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस है। डिस्काउंट पाने के लिए कोड यूज करें सचिन SP। आप चाहे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां आपको प्लस के सारे बेनिफिट तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है पर्सनल मेंटरशिप और लाइव डाउट सॉल्विंग का भी फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। ट्राई कीजिएगा, पेरेंट्स कनेक्ट और कंटेंट प्लानर जैसे भी खूब सारे फीचर्स हैं, स्टडी प्लानर जैसे, आप ट्राई कीजिएगा। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लो, कम से कम 12 मंथ का लेना ताकि 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाए और यंग कोडर्स की भी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है ना। चलिए फिर अड्डा भैया। बातें चलती है, मतलब मैंने हमको बोले सबका भैया, ओहो अजी पांडा जी सबका भैया, अड्डा भैया, जहर किंग, ठीक है। आज के डाउट फीचर को काम में लेना है, अनलिमिटेड आप डाउट से जो पूछ सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। बस आपको वहां पर पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड करना है, आपको वहां पर अपनी सब्जेक्ट बतानी है, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी इमर्ज एक ऐसा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आपके होने वाला है 6 से 12th क्लास के लिए। 20 जून को 12 बजे एनरोलमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर विनर्स को मिलने वाले हैं 5 करोड़ रुपए तक के प्राइज। 5 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। 30 क्वेश्चन ही हैं, 60 मिनट का चैनल है, 2 मिनट आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, आराम से करना,
एनरोलमेंट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोड यूज करना सचिन SP। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एनरोलमेंट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड है सचिन SP और कोड यही है सचिन SP। प्रोडक्ट अलॉटमेंट केसेस की दोस्तों अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं ना, अपन दोस्तों यहां पर आज चर्चा करेंगे हमारे एक टेबल के बारे में जिसका नाम होता है एनालिसिस टेबल। कल मैंने आपको बताया था कि एक प्रोराटा अलॉटमेंट नाम की चीज होती है। ये प्रोराटा अलॉटमेंट कब आता है? ये प्रोराटा अलॉटमेंट दोस्तों हमारे एग्जिस्टेंस में तब आता है जब हमारे बिजनेस में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। कौन सा सब्सक्रिप्शन होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हमारे बिजनेस में आता है ना, तब प्रोराटा अलॉटमेंट की बात होती है, जिसमें हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर एंजल को हाय बोलिए, हेलो एंजल कश्यप, हाय हेलो। ठीक है, हमारा जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, इस ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, हमारी कंपनी की जो BOD होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके पास ऑप्शन है तीन तरीकों से वो हमारे उस इश्यू ऑफ शेयर्स को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वो तीन तरीके क्या क्या है? पहला तरीका जिसको आप जानते हैं एक्सेप्ट के नाम से, मतलब वो मतलब तरीका नहीं यू बोल सकते हैं कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो दोस्तों रिजेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो चाहे तो प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रोराटा का मतलब क्या होता है? सबको संतुष्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब जितना मांगा उतना दे दिया। जी हाँ राज बताइए, ओजी पांडा जी, हमारे एक्सेप्ट का मतलब क्या? जितना मांगा उतना अपन ने दे दिया। कितना मांगा? 10 मांगे 10 दे दिए, ये होता है एक्सेप्ट करना। 5 मांगे 0 दे दिए, ये होता है रिजेक्ट करना। 10 मांगे और 8 में राजी कर दिया, दोस्तों आप इसे जानते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, इसे आप संतुष्टि के नाम से जानते हैं। अभी जो तरीका होता है कि भाई साहब जिसने 10 मांगे उसको 10 दिए, तो उसका कैसे एडजस्टमेंट आपको फ्यूचर के करना है? जिसने 5 मांगे उसके पैसों का क्या करना है? जिसने 10 मांगे उसको 8 दिए तो उसके पैसों का क्या करना है? इन सब का एडजस्टमेंट करने के लिए हम यहाँ पर दोस्तों बनाते हैं एक एनालिसिस टेबल, जो प्रोराटा अलॉटमेंट टेबल के नाम से भी जाना जाती है। इसके बारे में आप सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही समझाऊंगा और फिर अपन सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, हेलो सलोनी जी, खुश रहिए, मजे कीजिए, बी हैप्पी। हाँ ठीक है, 5 तो नहीं मिलेगी अब आप, अच्छा ठीक है। पढ़ लीजिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। अनामिका जी और हमारे बाकी दोस्तों, अनामिका, एंजल कश्यप, सलोनी, होजी पांडा, टाइगर, टाइगर भाई, टाइगर दहाड़ रहा है। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए दोस्तों आप एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप बनाते हैं कैटेगरी, आप एक कॉलम बनाते हैं कैटेगरी का, जिसमें आप बताते हैं कि आपने उस कैटेगरी के शेयर के साथ किया क्या है। आप अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करेंगे कि जैसे आपने कुछ को एक्सेप्ट किया है, कुछ को दोस्तों आपने क्या किया है, रिजेक्ट किया है। मतलब कैटेगरी नंबर बता रहा हूं मैं, कि जैसे एक कैटेगरी आप बनाएंगे जिसमें मान लीजिए आपने है जैसे जैसे एक्सेप्ट कर लिया हो, एक कैटेगरी आप ऐसे बनाएंगे जिसमें आपने मान लीजिए प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, एक और कैटेगरी बनाएंगे जिसमें भी आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, और एक कैटेगरी बनाएंगे जिसमें आपने दोस्तों क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। हेलो हेलो सलोन जी, कहां जा रहे हो? स्वागत है, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके सामने खूब सारे ऑप्शंस रहेंगे, ये आपके सामने खूब सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपके सामने नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने, वो जैसे चाहे वैसे डिसाइड करके हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इन्होंने कैटेगरीज बनाई है तो उसके बाद में बताते हैं कि शेयर्स अप्लाइड, कि कितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। मैं आपके सामने एक इमेजिनरी एग्जांपल ऊपर शो कर देता हूं। मान लीजिए दोस्तों आप यहां पर 10,000 शेयर्स इशू करते हैं, यहां पर आप शेयर्स कितने इशू करते हैं, 10,000 शेयर्स इशू करते हैं। आपके सामने जो एप्लीकेशन है वो आती है 12,000 शेयर्स के लिए, नहीं 12,000 नहीं, आपके सामने जो एप्लीकेशन है वो आती है 25,000 शेयर्स के लिए। इतना लालच, इतना बड़ा लालच कि बस। ठीक है ना, 10,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, 25,000 के लिए एप्लीकेशन आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि बनाएंगे 4 कैटेगरी। आपके सामने ये सवाल है जो आपके दे रखा होगा बैलेंस शीट के अंदर, आपके क्या हो उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, आपको बस क्या करना है उस क्वेश्चन से उन चीजों को इस एनालिसिस टेबल के अंदर जमाना है कि भाई साहब शेयर्स अप्लाई, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, टोटल 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। ठीक है ना, दिख रखा है साफ साफ। अमाउंट रिसीव्ड की बात बात करते हैं, शेयर्स अलॉट कितने करने हैं, अलॉट आपको शेयर्स करने हैं 10,000 शेयर्स। कैसे करना है, कौन कौन सी कैटेगरी बनानी है,
चार कैटेगरी बनानी है और इन कैटेगरीज के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। क्या दे रखा है? दे रखा है कि भाई साहब जिन भी भाई साहब ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, सॉरी अच्छा 10,000 इशू करने ना, जिन भी भाई साहब ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको पूरे के पूरे 5,000 शेयर्स दे दो। ये हो गए आपके कैटेगरी नंबर वन। कैटेगरी टू नंबर आपके बोलती है कि जिन भी भाई साहब ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन्हें 2,000 शेयर्स दे दो। ठीक है, ये हो गया। जिन भी भाई साहब ने आगे 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिन भी भाई साहब ने आगे 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन 8,000 को आप यहां पर कितने दे दो? उन 8,000 को यहां पर 3,000 शेयर्स जो दे दो। ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 8,000 नहीं 6,000 बोलता हूं। यहां पर आपने क्या करा है, 5,000 वाले को 5,000 इशू किए, 10,000 जिन्होंने मांगे, 10,000 जिन्होंने मांगे उनको आपने कितने दिए? 2,000 दिए। जिन्होंने 6,000 मांगे उनको आपने 3,000 दिए। टोटल एक बार कर लो कितनी होती है, एक बार इमेजिनरी क्वेश्चन है तो उस हिसाब से। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है, ये 5 और 2 7 हो, तीन कितने हो गए, ये तो 10,000 हो गए। आपने इशू कितने हो गए? 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21। पीछे कितने बचे? 4,000 शेयर्स आपके सामने बच गए हैं। इनको दोस्तों आपने क्या कर दिया? हेलो शेरिन जी, स्वागत है आपका। आपके तो प्रोडक्ट्स आज आउट ऑफ डिलीवरी थे, मिले कि नहीं मिले? शेरिन जी आपके जो गिफ्ट्स है वो आपके घर पे पहुंच गए क्या? आज पहुंच गए मेरे हिसाब से। 4,000 शेयर्स को आपने 0 शेयर्स दे दिए। ये आपके सामने क्वेश्चन में दे रखी है इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आपने क्वेश्चन में से देख देख कर हमारी एनालिसिस टेबल पे बनाई है। अच्छा शेरिन जी बोल रहे हैं नहीं पहुंचे, एक सेकंड लाइन पे बने रहे। दोस्तों आप भी लाइन पे बने रहे, एक सेकंड। ये हम गए अमेजोन के अंदर, ये अपन गए योर ऑर्डर्स के अंदर। हाँ एक सेकंड, योर ऑर्डर्स में जाता हूँ, योर नोटिफिकेशन में। एक मिनट। हाँ ठीक है। आउट ऑफ डिलीवरी बता रहा है, आउट ऑफ डिलीवरी बता रहा है, शाम तक आ जाएगा। आगरा में आउट ऑफ डिलीवरी बता रहा है, ठीक है, ऑन रोड लिखा हुआ है इसके ऊपर। आ जाएगा, आज आ जाएगा पक्का, रात तक आ जाएगा, लिखा हुआ तो है, फिर पता नहीं। नहीं नहीं, गलत एड्रेस नहीं है, जो आपने सबमिट किया ना वही एड्रेस है। ठीक है चलो, फिर जो भी है अपन आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मैं आपको ट्रैकिंग डिटेल्स दे दूंगा अभी व्हाट्सएप पर, ठीक है। हाँ, ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दे रखी थी, और यही क्वेश्चन आपने यहाँ पर जो लिख दिया। आपने पहला कॉलम बनाया कैटेगरी का जो क्वेश्चन में दे रखा है, शेयर्स अप्लाइड का भी क्वेश्चन में दे रखा है, शेयर्स अलोटेड का भी क्वेश्चन में दे रखा है। आपको एक बीच में कॉलम बनाना है अमाउंट रिसीव्ड का, और अमाउंट दोस्तों आप कैसे रिसीव करते हैं? आप अमाउंट रिसीव्ड करते हैं एप्लीकेशन के रूप में, कि भाई साहब 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था जो आप मंगवा रहे हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए नहीं 2 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर, और वापिस बाद में 3 तो 5 हो गए, 4 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपया सेकेंड कॉल के ऊपर। ये कुछ प्रकार से आप कुछ पैसे हैं जो मंगवा रहे हैं, ठीक ना। 4 और 1 लिख देता हूँ, कितने हो गए? 3 तो 5 और 4 1 9, और 1 कितना हो गए? 10 रुपए आपके सामने हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़े, अमाउंट आपको कितने कितना रिसीव किया है, एप्लीकेशन पर कितना मंगवा रहे हैं, 3 रुपए के हिसाब से अमाउंट रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन पर एडजस्ट कितना करना है, एप्लीकेशन पर एडजस्ट भी अमाउंट 3 रुपए के हिसाब से करना है। अलॉटमेंट कितने का करना है, अलॉटमेंट दोस्तों आपके 2 रुपए के हिसाब से करना है। फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना है, 4 रुपए, सेकेंड कॉल पर पैसा कितना है, 1 रुपए, थर्ड कॉल पर कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपके सामने एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव करेंगे ना, वो कितने शेयर्स के लिए आप इश्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, साफ साफ सी बात है, 3 रुपए के हिसाब से पूरे के पूरे 25,000 शेयर्स के ऊपर आप पैसा रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन पर कितना रिसीव करेंगे, या फिर 25 नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी अमाउंट होगा दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो कैसे रिसीव करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, शेयर्स अप्लाइड से। मैं अप्लाइड लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है ना सर। ट्रैकिंग डिटेल्स, हाँ हाँ मैं ट्रैकिंग डिटेल्स भेज दूंगा अभी क्लास के बाद में, ठीक है ना, 7:30 बजे। यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव है, एनालिसिस टेबल को समझ जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, केसेस की प्रैक्टिस। केस कौन से, 4 केस मैंने आपको बता दिए। केस नंबर 1 आपके यू जो है यू बोल सकते हैं, ये पहला वाला केस है एक्सेप्ट करने का। थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं बाद में करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे दोस्तों, अप्लाइड से, कि कितना अप्लाइड हुआ है। एप्लीकेशन पर जो एडजस्ट करेंगे वो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, अलॉटेड से, कितना आपने अलॉट किया है।
अलॉटमेंट भी किससे करते हैं, अलॉटमेंट भी अलॉटमेंट से करते हैं, और कॉल्स को भी अपन मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अलॉटमेंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आप बात करें अमाउंट रिसीव की, तो 5000 शेयर्स आपने इशू किए, तो 5000 मल्टीपल बाय 3 कितना होता है, 15000 रुपीज दोस्तों आपने यहाँ पर रिसीव किया है। अपन है ना कलर चेंज करके थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा मस्त लगेगा कलरफुल, ठीक है। 5000 को दोस्तों अपन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, आपके सामने अमाउंट आ जाता है 15000 रुपीज, ये आप अमाउंट रिसीव करेंगे इन शेयर्स के ऊपर। सेकेंड वाले शेयर्स पर आप रिश्यू करेंगे 30000, ये अलग अलग रिसीव नहीं होंगे, ये एक साथ ही हो रहे हैं, बस कैटेगरी है, एंट्री एक ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट एक ही लिखेंगे, लेकिन आप इसको अंदर डिवाइड करके रखेंगे, पता तो चलना चाहिए ना कि किसका कितना पैसा रिसीव है, इसका 15000, इसका 30000, इसका 18000 क्योंकि 6000 मल्टीपल बाई 3, और इसका 12000, 4000 मल्टीपल बाई 3, ठीक है ना। ये दोस्तों आपके सामने अमाउंट आ जाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है एडजस्ट करने की, ये तो आपको दोस्तों रिसीव हुआ है, लेकिन आपने अलॉट कितने किए हैं, अलॉट तो 5000 किए, तो जब अलॉट इतने किए तो आपको पैसा एडजस्ट कितना करना है, 5000 मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू कितना होता है, आपके सामने हो जाता है 15000 रुपीज। 15000 कैटेगरी ए का आया, मतलब कैटेगरी नंबर 1 का 15000 ही आया, और 15000 एडजस्ट कर लिया, 0 रुपीज आपके एडवांस बच गया है, ठीक है। आप एंट्री जो करेंगे एक बार इसकी जोड़ कर लेते हैं, कितना आया, 15 और 30 होते हैं 45 और 20 कितने होते हैं आपके सामने, 45 और 30 कितने होते हैं 75 है ना, 25 मल्टीपल बाय 3 75000 हो गया ना, 75000, ठीक है। ये कौन सा पैकेज डिलीवर हुआ है, मेरे हिसाब से सेरिन जी आपका पैकेज जो डिलीवर हो गया है, जस्ट अभी अभी मेरे सामने मैसेज आया है, एक सेकंड ठीक है। कैटेगरी ए के अंदर जितना था उतना होता है एडजस्ट आपने कर दिया। शेरिन जी हमारे कहाँ चले गए, हमारे दोस्त, अच्छा खुशी जी का हुआ है, शेरिन जी का डिलीवर हो जाएगा। एक तो सभी के इतने सारे ऑर्डर्स किए ना, अमेजोन वाले भी सोचते हैं कि भाई साहब ये क्या है। सर देख लो कमेंट, जी हाँ मैं चांद जी कमेंट देख रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, इंची क्या, इंची क्या होता है, इंच मतलब होता है, इंच मतलब एक मापने की इकाई होती है, जैसे इंच, फिट, सेंटीमीटर, मीटर, वैसे। ओके मी चांद जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों को भी बुला दिया करो, शेयर कर दिया करो सबके साथ, ठीक है। कैटेगरी ए का इतना एडजस्ट कर लिया, एंट्री हो जाएगी आपके सामने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट 75000। इसका जो बायफर्गेशन है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है जो आपने यहाँ पर रिसीव किया है। ये आप एंट्रियों में नहीं दिखाते हैं, ये सिर्फ आप हमारे एनालिसिस टेबल में अंदर का मामला होता है, अंदर ही दिखाते हैं ठीक है ना। हेलो सर रिमेंबर, हेलो मौर्या जी, मौर्या नन्नीवाल जी स्वागत है। अरे दोस्त आप, अगर आपको हम याद है ना तो आप तो हमें याद होने ही होने अच्छा वो नहीं उससे ऊपर वाला, एक सेकेंड सर मैंने 5 अकाउंट से लाइक कर दिया है, ओके शुक्रिया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड कैटेगरी बात करें तो रिसीव तो 30000 हुआ है, लेकिन 10000 शेयर्स के ऊपर आपने इशू कितने किए हैं, यहाँ पर इनको अलॉटमेंट 2000 ही किए ना, तो पैसा बनता कितना है, इसका पैसा बनता है 6000 रुपीज। पैसा आया कितना, पैसा आया 30000, एडजस्ट किया 6000, इसका 24000 अभी भी आपके पास दोस्तों बचा हुआ है, ये पैसा इसका एडवांस पड़ा हुआ है, इसको आपको एडजस्ट करना है। और अगर फिर भी पैसे कहां तक एडजस्ट करोगे, इसको आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट तक, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो, इन्फॉर्मेशन हो तो आप आगे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट के बाद में इसको रिफंड करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की। तो देखो 6000 शेयर से आपने अप्लाई किया था, 3000 को आपने इशू किया, पैसा बनता कितना है, पैसा इसका बनता है 9000 रुपीज। इसका पैसा आपके पास आया कितना, 18000, अभी भी आपके पास इसका कितना बचा हुआ है, अभी भी आपके पास इसका 9000 रुपीज बचा हुआ है, समझ रहे हो, 18000 आया, 9000 एडजस्ट कर दिया, 9000 अभी भी इसका बच जाएगा, इसको भी कहां तक एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट तक। बात करते हैं आपने लास्ट कैटेगरी की, 4000 वाले को 0 दिया, इनका पैसा बनता कितना है, इनका पैसा बनता है 0, मतलब पूरा का पूरा पैसा ही जो इनका आया है वो अपन रिफंड कर देंगे, रिफंड वाली कैटेगरी में डालते हैं, है ना। चलिए फिर डाल दिया, अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको करना है अलॉटमेंट की एंट्री। लेकिन अलॉटमेंट की एंट्री करने से पहले पहली एंट्री अपन क्या करते थे, पहली एंट्री अपन ने करी थी कि बैंक अकाउंट डेबिट। देखो मैं आपको एंट्री भी करते हुए चलता हूं यहां पर, सबसे पहली एंट्री अपन ने क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा रिसीव हुआ था, 75000 रुपीज दोस्तों यहां आपको रिसीव हुआ था। चलो बहुत बढ़िया बात है, 75000 अपन ने दिखा दिया,
ठीक है, जब आपको 75,000 रिसीव हो चुका है, अब आप उसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ता है ना। यहाँ पर अपने दोस्तों क्या किया है, एडजस्ट किया मतलब ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर कितना पैसा, वीडियो लेग हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो लेग हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। लाइव पे क्लिक करके बराबर हो जाओ, ठीक है। 75,000 दोस्तों आपके रिसीव किया, तो एडजस्ट भी तो करना पड़ता है। एडजस्ट करने के लिए अपन इसको ट्रांसफर करते हैं, एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को दोस्तों आप डेबिट करते हैं, और टू में दोस्तों अपन क्या लिख देते हैं, टू में दोस्तों अपन लिख देते हैं हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, आपने इशू कितने किए, आपने इशू 10,000 शेयर से किए, 3 रुपए के हिसाब से आप मंगवा रहे थे, तो कितना 30,000 रुपीज आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। बाकी के पैसे की बात करें तो अभी अभी अपने को पता चला कि कुछ शेयर्स के ऊपर आपको रिफंड भी करना है। रिफंड कितना करना है, ये 12,000 रुपीज का दोस्तों आपको रिफंड करना है, तो कर दो अपने क्या टेंशन। रिफंड की एंट्री क्या करते हैं अपन, रिफंड की एंट्री कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट आप यहां पर एंट्री कर देते हैं। लेकिन अब आपको आगे एंट्री करने से पहले एक बार आप क्या करिए, जी हाँ नामिका जी, लाइक्स तो आज हमारे छप्पड़ फाड़े, हमारे दोस्त है ना जो हमारे काफी खास खास दोस्त हैं, वो दास तो बस एक नहीं 10-10 बार लाइक कर रहे हैं। शुक्रिया सभी का शुक्रिया, ठीक है। बैंक अकाउंट से अपन दोस्तों रिफंड कर देंगे, कौन सा, एक तो जो आपने रिजेक्ट किया ना उसका भी आप रिफंड कर देंगे, और जो आपने पैसा एडजस्ट करने के बाद पैसा बच जाता है ना उसका भी आप रिफंड कर देंगे। अब वो बचेगा कितना पैसा, वो तो अपने को निकालना पड़ेगा, एक बार एनालिसिस टेबल में ला लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितना पैसा एडजस्ट किया, 15 और 6 कितना होता है, 15 और 6 आपकी 21, 21 और 9 कितना होता है, 30,000 रुपये एडजस्ट 30,000 ही करना है। एडवांस कितना पैसा बच गया आपके, यहाँ पर एडवांस आपके पैसा बच गया 24,000 ये, और 9,000 ये, कितना होता है 33,000, 33,000 आपके यहाँ पर एडवांस पैसा बच जाएगा, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े, अलॉटमेंट की एंट्रियां करते हैं 2 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से करना है, अप्लाई से अपने को कोई मतलब नहीं है। 5,000 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आया, 10,000 रुपीज दोस्तों आपके अमाउंट आया है। एडवांस कितना था, एडवांस यहाँ पर 0 था, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर ऊपर, अपन लिखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो लेग हो रहा है शायद मेरे हिसाब से, आवाज तो प्रॉपर आ रही है। एडवांस आपके सामने 0 था, एडजस्ट आप यहाँ पर 0 करेंगे, आपके कैसा कितना पैसा आप रिसीव करेंगे, आप 5,000 × 2 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो लेग हो रहा है, काहे लेग हो रहा है इतना, यहां पर तो लेग नहीं हो रहा, ये यूट्यूब पर ही हो रहा है क्या। हेलो 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 निहाल जी, क्लियर, ओके थैंक यू, शुक्रिया। हाँ यहाँ पर तो सही चल रहा है, बिल्कुल फ्रेम्स बराबर बराबर आ रहे हैं, चल जी अच्छा यूट्यूब पर ही होगा, अच्छा थोड़ा थोड़ा है इश्यू, ठीक है ना। चलो फिर दोस्तों अगर बात करें कैटेगरी नंबर 2 की, तो कैटेगरी नंबर 2 में आपके सामने कितना पैसा है, 2,000 ही इशू किए हैं, पैसा बनता कितना है, 4,000 ही बनता है, पैसा बनता कितना है, 4,000 ही बनता। एडवांस कितना है, एडवांस 24,000 है, तो पुराना एडजस्ट कितना करेंगे, पुराना एडजस्ट करेंगे दोस्तों अपन 4,000, ये 10,000 बैंक से रिसीव होगा, ठीक है ना, प्लस लिख रहा हूँ, प्लस का मतलब बैंक से रिसीव होगा, ये 4,000 आपने दोस्तों पुराना एडजस्ट कर लिया, इतना ही बनता है, इतना ही बनता है, कुछ भी आपको बैंक से रिसीव नहीं होगा, आपके एडवांस अभी भी बच जाएगा कितना, 20,000 आपके अभी भी बच जाएगा। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, हेलो सना जी शुक्रिया, नहीं ना लैपटॉप दिक्कत थोड़ी सी है, स्लो है, ठीक है, 20,000 बच गया। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इस अमाउंट को अलॉटमेंट के बाद में क्या कर दो, इसको अलॉटमेंट के बाद में दोस्तों क्या कर दो, रिफंड कर दो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट तक आप ऐसे काम में ले सकते हैं, उसके बाद में काम में नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी काम में ले लो, तब फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट करेंगे जैसे अलॉटमेंट पर किया, सेकेंड कॉल पर भी करेंगे और थर्ड कॉल पर भी करेंगे, फिर भी कैसे कम पड़ जाते हैं तो और पैसे मंगवा लेंगे, बच जाते हैं तो उसका रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अपन दोस्तों मानकर चलते हैं कि इस पैसे को अपने को क्या करना है, इस पैसे को अपने को यहां पर रिफंड करना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिफंड कितना, ये 20,000 अपन रिफंड कर देते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट तक ही अपन इसको काम में लेंगे, ठीक है। अब यहां पर पैसा खत्म। थर्ड कैटेगरी बात करो तो आपके 3,000 आपने इशू किए हैं, तो 3,000 × 2 पैसा कितना बनता है, इसका पैसा बनता है 6,000 रुपीज, है कितना 9,000, पूरे के पूरे 6,000 अपन ने एडजस्ट कर लिए, अभी भी पैसा बच गया इसका एडवांस कितना 3,000 रुपीज, अभी भी इसका एडवांस बच गया, इसको भी दोस्तों क्या कर दो, इस 3,000 को भी दोस्तों यहाँ पर रिफंड कर दो, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन होती तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर भी इसको काम में ले लेते,
ठीक है। चलो ये तो भाई साहब का काम यही पर किस्सा खत्म हो गया, आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी है, बस जब आपको रिफंड का पूरा अमाउंट पता चल ही चुका है तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री कर दो। कितना? 12,000 रुपीज। बैंक से जो आप रिफंड कर रहे हो 12,000 रुपीज तो रिजेक्ट वालों के करने हैं आपको, 20,000 रुपीज कैटेगरी नंबर बी के करने हैं, और वहीं 3,000 रुपीज आपके कैटेगरी नंबर सी के आपको करने हैं, कैटेगरी नंबर थ्री के करने हैं। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो कितना होता है आपके 20 + 10 क्या होता है 30, 30 और 5 होता है 35,000। 35,000 रुपीज का दोस्तों यहाँ पर आप एक रिफंड भी कर देंगे। ठीक है, अभी भी आपके सामने कुछ पैसे बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 30 और 35 तो होते हैं कितने आपके 65 ही होते हैं। अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं, 10,000 आपने एडजस्ट किए, वो 10,000 कौन से एडजस्ट किए हैं? 4,000 तो ये वाले और 6,000 ये वाले। मतलब 10,000 रुपीज आपने पुराने एडजस्ट कर लिए, 10,000 आपने यहाँ पर पुराने एडजस्ट कर लिए, और आपने यहाँ पर बैंक से पैसे रिसीव कर लिए। कितने? 10,000 रुपीज आपने बैंक से भी रिसीव कर ली, बाकी का पैसा आपने यहाँ पर रिफंड कर दिया। ठीक है ना, चलिए समझ गए मेरी बात। 10,000 आपने एडजस्ट कर लिए, 10,000 आपने यहाँ पर बैंक से रिसीव कर लिए, 10,000 रिसीव करे ना, हाँ वो कैटेगरी नंबर ए वाले के। तो दोस्तों आपने 10,000 एडजस्ट किए, तो एडजस्ट को अपन यहाँ पर फ्यूचर में लेकर जाते हैं। मैं यहाँ पर उसको कॉल्स इन एडवांस के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि ये पैसा अपन कहाँ एडजस्ट करेंगे? अपन ये पैसा हमारे अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना, या वीडियो भी लेक, आवाज भी लेक हो रही है? एडजस्ट कर लिए 10,000, आवाज तो लेक नहीं हो रही है, शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़े। कॉल्स इन एडवांस के रूप में अपन शो कर देते हैं। कितने एडजस्ट कर दिए? 10,000 रुपीज दोस्तों हमारे यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। ये अमाउंट कैसे पता चलता है? जब आप पूरे एनालिसिस टेबल करते हैं ना तभी पता चलता है। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना? 75,000 की आप एंट्री यहाँ पर कर देंगे, बस ये आपकी एंट्रियां काम किस्सा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, 75,000 आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, 30, 35 कितने होते हैं? 65, 65 होते हैं कितने होते हैं? 75। अब दोस्तों आप क्या करेंगे? कॉल का पैसा मतलब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं, तो आप एंट्री क्या करते हैं? आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट, आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा? 10,000 इशू किए हैं, 10,000 × 2 होता है 20,000 रुपीज, और ये 20,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। जब इन पैसों को रिसीव करते हैं तो रिसीव करने पर अपने को पता चलता है, एनालिसिस टेबल बोलती है 10,000 एडजस्ट किए हैं, 10,000 बैंक से रिसीव किए, एनालिसिस टेबल बोलती है अमाउंट आप कर सकते हो। आप दोस्तों यहाँ पर बैंक से रिसीव करेंगे कॉल्स इन जो एडवांस है ना, जो कॉल्स इन एडवांस उसको एडजस्ट करेंगे, और टू में आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक से कितना आएगा? 10,000। एडवांस एडजस्ट करेंगे 10,000, अलॉटमेंट में चले जाएंगे 20,000। अब आपके सामने एडवांस पैसा कुछ भी नहीं बचा है सर, आपने रिफंड कर दिया फर्स्ट कॉल की और सेकेंड कॉल की आप एंट्री कर सकते। आपके फर्स्ट कॉल के पैसे कितने बनते हैं? अब तो आपको कुछ पैसा बचा ही नहीं ना, तो आपको अलग अलग कैटेगरीज का करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली 10,000 को आप क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करो, 40,000 रुपीज आपको सारा का सारा पैसा बैंक से मिलेगा, और ये भी 10,000 रुपीज सारा का सारा आपको बैंक से मिल जाएगा। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, रिसीव करो, सेकेंड कॉल को ड्यू करो और रिसीव करो। एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलग अलग होगी वैसे तो। पहले शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, बस ये आपकी एंट्रियां हो जाएगी, काम के साथ आपके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहां पर कि अगर ये पैसा रिफंड नहीं करना हो तो क्या करेंगे, रिफंड नहीं करना हो तो अपन देखेंगे कि इस कैटेगरी का फर्स्ट कॉल पर पैसा बनता कितना, कितना बनता है? 2,000 × 4 8,000 रुपीज बनता है, 8,000 रुपीज बनता है, एडजस्ट कर लेंगे अभी भी पैसा बच जाएगा, अभी भी पैसा बच जाएगा। कितना? ये एक अलग सिचुएशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से समझ में आ जाए आपको कि एक अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब इन्फॉर्मेशन दे रखी हो और पैसों को फ्यूचर में भी काम में लेना हो। ठीक है ना, चलो फिर कितना यहाँ पर आपके 8,000 बनता है, इस 8,000 को दोस्तों आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, अभी भी आपके सामने पैसा बच जाता है कितना? 12,000 रुपीज दोस्तों आपके यहाँ पर पैसा बच जाता है। आप क्या करते हैं? फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा 2,000 आपके बनता है, 2,000 बनता है, वो भी आप एडजस्ट कर लेते हैं, अभी भी पैसा बच जाता है कितना? 10,000 रुपीज आपके यहाँ पर बच जाता है। अब तो आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो इस 10,000 को आप क्या कर दो? रिफंड कर दो, 10, 1, 2, 3। ठीक है ना, मैं चाहन जी बोल रहे हैं कि वो 180 पेपर क्या क्वालिटी है, बहुत मस्त। सच में मैंने भी आज ना 180 चल रहा है, बहुत गजब क्वालिटी है, मतलब फील हो रहा है बहुत ही गजब वाला। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेग हो रहा है, बाकी सच में ऐसे मतलब अमेजिंग, बहुत गजब। ठीक है, शुक्रिया, आगे बढ़े।
ठीक है, ये हो जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे सामने। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी का पैसा बनता कितना है, 3000 अलॉट किए थे आपने, तो 3000 मल्टीपल बाय 4 कितना होता है, 12000। 12000 आपको पैसे चाहिए, 12000 आपको पैसे चाहिए, पुराने कितने हैं, पुराने तो 3000 ही है, तो 3000 को है जैसे जैसे क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, बाकी के पैसे बैंक से रिसीव कर लो। बैंक से कैसे रिसीव करेंगे, 12000 बनता है, 3000 मल्टीपल बाय 4 12000, 12 में से 3 आ गया, कितना बचेगा, 9000 रुपीज दोस्तों आप यहाँ पर बैंक से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, सेकंड कॉल की बात करें तो बस सेकंड कॉल के अंदर भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट तो कुछ करना है ही नहीं, जीरो पुराना है, फर्स्ट सेकंड कॉल का बनता कितना है, 1 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए, ये 3000 रुपए आप बैंक से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, कैटेगरी नंबर ए की बात करें तो ये तो पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा, अमाउंट कितना, 5000 मल्टीपल बाय 4 20000। ठीक है, 5000 मल्टीपल बाय 1 इज इक्वल टू 5000, बस ये आपकी एंट्री हो जाएगी और आप आराम से इसको काम को कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी अपन एक सवाल देख लेते हैं, बाकी अपन आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एम आई ऑडिबल टू प्रॉपरली, हेलो, वेरी गुड इवनिंग स्नेहा जी, काफी दिन बाद में आए, हेलो साना जी, आपका भी स्वागत है, साना खान जी, राहुल यादव जी आपका भी स्वागत है, हेलो वेलकम। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आपके सामने बुक पेश करता हूँ, कुछ एग्जांपल अगर है मेरे पास तो अपन वो एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। हमारे अकाउंट सत्ता की मिशन प्रैक्टिस है ये आप सभी के लिए, कल मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, उसी को भी अपन चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। कहाँ गई बुक्स, बुक्स 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 जी, रुक, लाइन पे बने हो रहे, लाइन पे बने हो रहे, हम अरे ओजी पांडा जी ऐसा मत बोलिए प्लीज, सर आपने गिफ्ट नहीं बताया जी। हाँ स्नेहा जी, गिफ्ट अभी बाकी है, आप सभी का पेंडिंग है मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर आपका एक गिफ्ट सभी को देने, देंगे देंगे जल्दी देंगे, अभी तो विनर्स को पहुंच रहे हैं, विनर्स को भी नहीं पहुंचे वो गालियां दे रहे हैं कि सर आप हमारे गिफ्ट खा गए। सच में अभी पुराने वाले डिलीवर हो रहे हैं, एक सेकंड, ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया सिस्टम एक तो, इसका कुछ करना पड़ेगा। लाइन पे बने हो रहे हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक एग्जांपल, अगर यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, सच जस्ट किडिंग, ओके नहीं, फिर भी जी वाणा जी सही नहीं लगता, किसी को ऑफेंड भी हो सकते हैं ना हमारे दोस्त, इसलिए सोच समझ कर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। वैसे भी क्या फर्क है बताऊं, क्या देंगे पापी नहीं बताएंगे, सस्पेंस है ये। कल आपको जो एग्जांपल दिया ना उसी की यहीं पर एग्जांपल की चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, कौन सा था कौन सा था कौन सा था, डायरेक्ट उसको सोल्व ही करेंगे अपन, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन था, ये प्रीमियम का आ गया, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, ये रहा, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने आपको कल दिया था, ठीक है, इसी पर अपन चर्चा करेंगे और फिर अपन चलेंगे। सर हम तो विनर से बहुत दूर है, वही तो, विनर्स का भी अभी नहीं पहुंच पा रहा है, वो गालियां दे रहे हैं कि हमारा गिफ्ट खा गया, हमारा गिफ्ट खा गया, तो अभी आप थोड़ा शांति बनाए रखें, आपके भी दिन देंगे, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, आपको गिफ्ट सभी को प्रोवाइड करवाएंगे करवाएंगे, अरे बोला था ना तो देना तो है ही, ठीक है। ये आपके पीपीटी गायब, ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी का, सर पे गिफ्ट, हाँ सर पे गिफ्ट का मतलब होता है कि वो एक गिफ्ट बकाया है, पेंडिंग पेंडिंग, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों कल आपको इलस्ट्रेशन दिया था मैंने, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू अपन फेस कर रहे हैं तो फटाफट से इसको देखते हैं, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ये इलस्ट्रेशन नंबर 7, जिसमें आपको ये करना था, जो सिचुएशन थी वो क्या थी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपने इश्यू किए थे, 4 लाख के लिए आपके सामने एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, जिसमें से 25 रुपए आपके जो शेयर है वो इक्विटी शेयर के ऊपर पेबल था एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है, ऑफ आरएस 25 इंच, अच्छा शेयर 25 रुपए का है, जिसमें 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 7.5 अलॉटमेंट पर, 7.5 फर्स्ट कॉल पर और 5 रुपए सेकंड कॉल पर थे, ठीक है। अच्छा सबको गिफ्ट मिलेगा बर्थडे के दिन, ये कुछ बात अपन कर रहे थे, इसमें अपने को क्या दे रखा था कि देखो सीधी सीधी बात है, मैं यहीं पर एनालिसिस टेबल आपको समझा देता हूँ ऊपर ऊपर से, आपको दिख तो रहा है ना, चलो दिख तो रहा है,
ठीक है। एनालिसिस टेबल में अपन सबसे पहले क्या बात करते हैं, अपन बात करते हैं कि अपने यहाँ पर कैटेगरी बनाते हैं, अपन यहाँ पर बनाते हैं कैटेगरी, छोड़ो इसको छोड़ साथ में रखते हैं। हमारे सामने क्या है, हमने यहाँ पर दोस्तों 4 लाख शेयर्स हैं जो हमारे सामने एप्लीकेशन रिसीव हुई है, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर इशू करना है ओनली फॉर 1 लाख शेयर्स आपके सामने इशू करना है। अब कैसे करना है, हमारे सामने 3 प्रकार के सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल है कि डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए बनाते हैं, जो कैटेगरी नंबर जो ए बनाते हैं ना, वो यू बोल सकते हैं कैटेगरी नहीं, नहीं जो सवाल नंबर एक है ना। हेलो, काफी दोस्त चैट बॉक्स के अंदर धमाका चल रहा है। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस ऑन स्टडी नॉट ऑन चैट बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे दोस्तों की बात सुनिए, मौर्य जी बोल रहे हैं कि प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज हमारे जो क्लास उसके ऊपर फोकस कीजिए, चैट अपन बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। 4 लाख शेयर्स आपके सामने आपने जब इशू किए थे, मतलब 4 लाख शेयर्स की आपकी जब एप्लीकेशन आई, इशू आपको एक लाख करना, तो आपने डिसाइड क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको बोलता है कि 1 लाख को एक्सेप्ट कर लो। आपके सामने ऑप्शन होता है एक तो एक्सेप्ट करना और एक रिजेक्ट करना। इसमें आपने एक्सेप्ट किया है, आपने इसमें रिजेक्ट किया है। एक्सेप्ट कितने को किया है, पूरे 1 लाख को आपने एक्सेप्ट किया है। रिजेक्ट कितने को किया है, पूरे 3 लाख को दोस्तों आपने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी टेंशन नहीं लेना, आपको जो एंट्री करनी है एंट्री हो जाती है। आपके सामने बैंक अकाउंट डेबिट होता है, 2 में लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा, 4 लाख रुपए के हिसाब से आप पैसा रिसीव करेंगे। और जब आप इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे तो एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 में लिख देंगे आपका बैंक अकाउंट। ठीक है ना टाइगर, क्या बोल रहे हैं पांडा साला अपन। टाइगर सोल्जर जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कि अब की बार आप कुछ ना बोलें, अगर अगर आपका कमेंट अब की बार कुछ गलत आया तो मुझे आपको टाइम आउट पर या फिर ब्लॉक भी करना पड़ सकता है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन में जितना भी पैसा आएगा 4 लाख रुपए के हिसाब से पैसा आने वाला है, शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए के हिसाब से पैसा डाल देंगे, बैंक में 3 लाख रुपए के हिसाब से पैसा डाल देंगे और रिफंड कर देंगे। आगे की जो अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की सेकंड कॉल की एंट्रियां हैं वो आप 1 लाख रुपए के हिसाब से कर देंगे। ये तो आगे आपका सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, कहाँ है गाली कहाँ पे दी, प्लीज गलत ना बोले, प्लीज गलत ना बोले। ओह अभी दिखा अभी दिखा अभी दिखा, चलो भाई गए गए। ठीक है, अभी अपडेट हो जाएगा, टाइम आउट पे डाल दिया मैंने 5 मिनट के लिए, और आप कहें तो ब्लॉक कर देंगे अगर वापस अगर ऐसी करो हरकत करेंगे तो। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 की बात करें तो बस आपको बताना ही है, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है प्रोरेट अलॉटमेंट करने का, 25% है जो शेयर्स को, 25% शेयर्स अप्लाइड फॉर एवरी पार्टिसिपेंट्स, मतलब जिसने भी 4 लाख शेयर्स मांगे है ना, जिसने भी 4 लाख शेयर मांगे ना, उन सभी को 25% कितना, पूरे के पूरे 1 लाख शेयर आपने इशू कर दिया, मतलब सभी को आपने संतुष्ट कर लिया, मतलब आपने सभी को एक तरीके से एक्सेप्ट करते हुए काम आपने कर लिया है। हेलो निहाल जी स्वागत है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर रिफंड किसी को भी नहीं करेंगे, आप शेयर एप्लीकेशन की एंट्री 4 लाख से करेंगे, ट्रांसफर आप 1 लाख से करेंगे, और जो 3 लाख का जो अमाउंट है आप उसे एडवांस के रूप में आगे ट्रीट करके ले जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका पैसा बनता कितना है, कितना आपको रिसीव हो चुका है, कितना एडजस्ट करना चाहिए, कितना एडवांस है, और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे। उस एनालिसिस टेबल में आपको पता चलता है कि अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तब उन पैसों को आप रिफंड कर देंगे। आपको लगता है कि अलॉटमेंट के बाद अभी पैसे नहीं बच रहे, अलॉटमेंट में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो पैसे आप यहाँ पर मंगवा लेंगे। ठीक है ना, बस आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। उसके बाद में तीसरा नंबर क्या है, डायरेक्टर्स ने कहा कि 2 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, यानी कि ये जो तीसरी सिचुएशन ना, इसमें तीनों आ रहा है। तीनों क्या आ रहा है, एक्सेप्ट भी आ रहा है, रिजेक्ट भी आ रहा है, और प्रोराटा भी आ रहा है। साफ साफ बोला है इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने क्या बोला है, 2 लाख को है जैसे जैसे रिजेक्ट कर दिया, 80,000 को पूरे के पूरे को एक्सेप्ट कर लिया, 80,000 के पूरे को एक्सेप्ट कर लिया। कितने हो गए, 80 और 2 लाख कितने हो गए, 2,80। उसके बाद में बोला कि रिमेनिंग जो एप्लीकेंट्स है ना, उसको बाकी के जो बचे हुए शेयर्स वो इशू कर दिए, एंड मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, जो बचे उनको 20 लाख शेयर्स जो रिजेक्ट आपके दे दिए। ठीक है, मतलब 2 लाख को रिजेक्ट किया है, 2 लाख को यहाँ पर दोस्तों उन्होंने 0 शेयर दिए, 80,000 वालों को 80,000 दे दिए, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग आपके सामने एप्लीकेशन 4 लाख की थी, मतलब 1,20,000 रुपए आपके सामने अभी भी बचे हुए ना शेयर्स, उसको आपने कितने शेयर्स इशू कर दिए, 20,000 शेयर्स आपने इशू कर दिए। बस अभी जैसे अपन एनालिसिस टेबल बनाई ना, वैसे आप इसको कर देंगे। क्या बोल रहे हो अनामिका जी,
सना जी कौन से का बोल रहे हो, कौन सा नहीं समझ में आया पूछ लो। ओके नेहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कौन सा समझ में नहीं आया, कौन सा कंसेप्ट, सेकंड वाला। सेकंड वाले का मतलब क्या है, देखो मेरे सामने यहाँ पर ब्लैंक शीट नहीं है क्या कहीं पर, है ना, है ना। चलो वहां पर चलते हैं, एक सेकंड। हाँ या क्या, या क्या, लाइन पे बने हो रहे, लाइन पे बने हो रहे, आपके लिए सब कुछ है हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, जो सेकंड सिचुएशन है ना वो आपको ये बोलती है, सेकंड वाली सिचुएशन है, सेकंड वाला जो डिसीजन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया ना वो ये बोलता है कि 4 लाख शेयर्स में जितने भी शेयर्स है ना ऑल एप्लीकेंट्स को 25% अलॉटमेंट कर दिया जाए, सभी शेयर्स वालों को 25% अलॉटमेंट कर दिया जाए। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, जिसने भी आपसे 100 शेयर मांगे उसको कितने शेयर दे दो, 25 शेयर दे दो। जिसने भी आपसे 100 शेयर मांगे उसको 25 दे दो, जिसने आपसे 1,000 शेयर मांगे उसको 250 दे दो, जिसने आपसे 1 लाख शेयर मांगे, जिसने आपसे 1 लाख शेयर मांगे उसको कितने दे दो, उसको दोस्तों 25,000 शेयर दे दो, और जिसने आपसे 4 लाख शेयर मांगे हैं उसको दोस्तों आप कितने दे दो, पूरे 1 लाख शेयर दे दो। यानी जो आपके रेशियो वो एक तरीके से यह है कि जिसने भी 4 मांगा है उसको कितना दे दो, 1 शेयर है जो दे दो, 4:1 का रेशियो। तो जिन्होंने 4 लाख मांगे उनको पूरे के पूरे 1 लाख शेयर आप इशू कर देंगे। ये आपके है सिचुएशन नंबर सेकंड वाली। ठीक है, अब इसमें जब आप एंट्रियां करेंगे तो सबसे पहले एंट्री करती है आपकी क्या, आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कहाँ आ गया, टाइम आउट पे डाला था, ये वही है क्या, अपने तो टाइम आउट पे डाला था, दूसरी आईडी से आए हैं, दूसरी आईडी से, सेम ही नेम है, दूसरी आईडी है। ठीक है, ये भी टाइम आउट पे डालते हैं, ब्लॉक नहीं करते, टाइम आउट पे डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आप दोस्तों 4 लाख रुपए के हिसाब से रिसीव करेंगे। मैं यहाँ पर 4 लाख लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो अमाउंट है वो मैं 4 लाख रुपीज ही लिख रहा हूँ, कि मान लीजिए आपने 4 लाख के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जब आप करेंगे रिफंड कुछ भी नहीं करना है, रिफंड कुछ भी नहीं करना है, 1 लाख रुपए के हिसाब से तो आप जो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और बाकी का पैसा अगर आप यहाँ पर आपके जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर भी करेंगे, अलॉटमेंट के बाद में नहीं करेंगे, तो उस पैसों को दोस्तों आप रिफंड कर देंगे, रिफंड करने की आप जो एंट्री है वो कर देंगे। एक बार देख रहे हैं, सिचुएशन नहीं समझी, अभी भी नहीं समझी सना जी, लाइव पे क्लिक करके बराबर आओ, अब तो समझ में आ जाएगी सिचुएशन की हो क्या रहा है। हाँ, सिचुएशन का मतलब होता है, इस सिचुएशन का आपके सामने सीधा सीधा मतलब यही है कि आपने जो अलॉटमेंट है ना वो प्रोराटा अलॉटमेंट किया। मैंने आपको कल भी बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में ऑप्शन होते हैं क्या, ऑप्शन नंबर 1 वो चाहे तो एक्सेप्ट करेंगे बाकी को रिजेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 वो सबको सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 कुछ को एक्सेप्ट करेंगे कुछ को रिजेक्ट करेंगे कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। यहां पर बोला कि 4 लाख, एक बार सवाल को पढ़ लो समझ में आ जाएगा। ना ना किंग, मैंने जी मैंने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर एवरी एप्लीकेंट, जिसने भी 100 मांगे उसको कितने दे दो, 25 शेयर दोस्तों आप उसको दे दीजिए। यानी आप अगर आप रेशियो निकालना चाहे तो यू बोल सकते हैं 4:1 का रेशियो, जो भी 4 शेयर मांगेगा उसको आप 1 शेयर दे देंगे। बस यही सिचुएशन है, बस आपके सामने यही सिचुएशन है। ठीक है, हाँ सुनाना होता, नहीं सुनाना नहीं है, अगर अपन किसी को बुराई है अपने सामने उस बुराई के सामने बुरे हो जाएंगे तो अपने में और उसने में उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपको विरोध करना है विरोध करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। इसमें आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, प्रोडाटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, प्रोडाटा का मतलब होता है सभी को संतुष्ट कर रहे हैं, किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। जिसने बोला 1,000 चाहिए आपने उसको बोला तू ले तू ले, तेरे को देंगे 25% देंगे, तेरे को 250 शेयर देंगे, तू राजी हो, कोई जा मत हमारे पास में ही रहे। ठीक है, हेलो डिजिटल भाई, स्वागत है आपका, आ गया ना, डाउट है तो पूछ सकते हो। वैसे थर्ड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 लाख को आपने यहाँ पर रिजेक्ट किया है, 80,000 रुपये जैसे एक्सेप्ट, और 1,20,000 को आपने इशू कर दिया। जैसे अपन ने एनालिसिस टेबल बनाई थी ना वैसे आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे सेकंड अल्टरनेटिव भी जो शॉर्ट करें आपके, तो बोल सकते हैं कि बैंक से इक्विटी शेयर का पैसा आया आपने दिखाया, आपने इक्विटी शेयर से पैसा किसमें डाला, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में किस हिसाब से डाला, शेयर कैपिटल में आपने 1 लाख रुपए के हिसाब से डाला, जो आपको एडजस्ट करना था वो आपने एडवांस अलॉटमेंट में डाल दिया, फिर भी जो पैसा बच गया उसको आप दोस्तों क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, क्योंकि सीधी सीधी बात है पैसा तो बचना ही है, सीधी सीधी बात है पैसा तो बचेगा बचेगा।
ठीक है, और फिर आप अलॉटमेंट की सारी एंट्रियां जो सेम हो जाती है। थर्ड सिचुएशन की बात करें तो पैसा रिसीव होगा, पैसा रिसीव होने के बाद आप उसको एडजस्ट भी करेंगे, एडजस्ट करने के लिए शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए के हिसाब से ही जाएगा, मतलब 1 लाख शेयर का जाएगा अमाउंट, तो यहाँ पर अलॉटमेंट इसमें कैपिटल में, तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जितना आपको एडजस्ट करना है। कितना एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्ट अपन किस पे करेंगे, कैटेगरी ए में तो फुल एक्सेप्ट कर रहे हो उस पर कोई एडजस्ट नहीं करना, कैटेगरी बी को रिजेक्ट कर रहे हो उसमें भी कोई आपको यहाँ पर नहीं करना है एडजस्ट। कैटेगरी सी, जहां पर जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिनको आप 20,000 शेयर इशू कर रहे थे ना, उन्हीं का पैसा आपको एडजस्ट करना है, और उन्हीं का पैसा दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, बाकी का जो पैसा आपके आ रखा है पॉलिसी इन एडवांस में डाल देंगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो। वैसे तो बाई चांस आपको नॉर्मली क्या होता है अलॉटमेंट के बारे में पैसा लौटाना है, लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों पैसा आगे काम में ले रहे हो, लेने दो क्या टेंशन, पॉलिसी इन एडवांस में पैसा डाल दो और बाकी का दोस्तों यहाँ पर क्या कर दो, रिफंड कर दो, ठीक है। बस ये एंट्रियां, बाकी एंट्रियां सिमिलर हो जाएगी, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे 1 लाख से, लेकिन ध्यान रखना वही बात है सिमिलर कैसे हो जाएगी, इसमें डिफरेंस आएगा कि जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट का कुछ पैसा आपको पहले से रिसीव हो रखा होगा। देखो यहाँ पर अपने लिख जाता इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले से आया होता ना, ठीक है। जब आप देर पैसा रिसीव करेंगे तो वो भी कम रिसीव करेंगे, जब आप फर्स्ट कॉल करेंगे तो फर्स्ट कॉल का भी कुछ पैसा आपको पहले से रिसीव हो रखा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ड्यू करने की एंट्रियां हो गई, बैलेंस है जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है कि इन्होंने कैसे ट्रांसफर किया है कैसे नहीं किया है, बस इस सवाल को आप देख लेना, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, हेलो हरियाणा जी स्वागत है, इस क्वेश्चन को आप घर पे करने की कोशिश करना, फिर अपन कल बात करेंगे किसके बारे में, प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हेलो हेलो हाय हाय हरियाणा जी, हेलो हाय नमस्कार नमस्कार, ये प्रीमियम का क्या, अच्छा ठीक है, इतने ही है दोस्तों आपके सामान पूरा डाटा के, तो बाकी अब आपको प्रीमियम की जो एंट्री है वो अपन उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमारे इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अपन चलते हैं, कल शाम को 5 बजे वापस मिलेंगे, किसके लिए, एनपीओ की प्रैक्टिस के लिए, एनपीओ के एग्जाम्पल करेंगे, एनसीआरटी के टीएस ग्रेवाल के एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 और 16 चार एग्जाम्पल लाइव सॉल्व करवाने वाला हूँ, और फिर 6:30 बजे कंपनी अकाउंट्स के अपन बात करेंगे आगे इश्यूड प्रीमियम के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए, अरेन जी क्योंकि हमारे दोस्त वो कुछ कमेंट बॉक्स में एब्यूजिव हो रहे हैं ना इसीलिए, ठीक है। और ब्लॉक नहीं, मैंने उनको टाइम आउट पे डाला, वो हो जाएंगे सही, ठीक हो जाएंगे, सुधरने का मौका सभी देते हैं, 2 बार तो दे दिया, तीसरा एक और दे देंगे अपन बाकी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, कोई डाउट्स वगैरह हो तो डाउट्स वगैरह मेरे से पूछ लीजिएगा, चैट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है हमेशा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जो भी आए हैं तो अपन चलते हैं, ठीक है। अब वैसे भी हमारा सेशन एंड हो रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और डेली सेशन अटेंड करना, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करना मत भूलना, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टॉप एजुकेटर्स टॉप क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट, टाटा, थैंक यू। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, अनअकैडमी, let's crack it.